Audio Jungle. Audio Jungle. कोतवाली ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, तीन चोरियों का खुलासा भी हुआ है। क्या इनकी मर्ज पहली थी और किस तरह से क्या इनसे माल रिकवर हुआ है? ये कल रात में कोतवाली पुलिस को बड़ी अच्छी सफलता हाथ लगी है। वो क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जो कि घरों में चोरी जो हो रही थी उसके खुलासे के लिए लगाई गई थी। और मुहिम की सूचना पर दो चोर शातिर हैं, इनकी बहुत बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनको गिरफ्तार किया गया है। और इनकी गिरफ्तारी से तीन हमारे जो मुकदमे थे, जो घरों में चोरियां थी, बड़ी बड़ी चोरियां थी पंचवटी कॉलोनी की, वो उनका खुलासा हुआ है। उनके पास से तमंचा बरामद हुआ है जो लोग हमेशा यूज करते थे, चाकू बरामद हुआ है। इसके अलावा चोरी गए जितने माल थे, तीन लैपटॉप हैं जो आपके समक्ष रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त तमाम चांदी के सिक्के, तमाम और सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है। गहन पूछताछ की जा रही है इनसे, इनके गैंग में भी कुछ लोग और हैं, और कई घटनाएं उन्होंने की है। पूछताछ से यह भी ज्ञात हुआ कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी, गुड़गांव आदि क्षेत्रों में उनके द्वारा काफी ज्यादा घटनाएं की गई हैं। ये भी उन्होंने बताया कि ये कभी भी कैमरा या मोबाइल या इस तरह के कोई चीज लेकर के नहीं जाते थे, लैपटॉप लेकर के जाते थे क्योंकि जल्दी बिक जाता था, उसको स्टूडेंट या ऐसे लोग ले लिया करते थे। तो ये शातिर गिरोह है, हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र इनको हम जुडिशियल रिमांड पे लेंगे, अपना पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेंगे और रिमांड पर लेकर के और भी घटनाओं का, और भी जितनी घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, पूछताछ करेंगे, रिकवरी करेंगे, गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक इंटरेस्टिंग बात, किस तरीके से घटनाओं का अंजाम दिया, चोरी का तरीका क्या था? ये रैकी करते थे, ये रैकी जैसा कि मैंने बताया कि दिन और रात में भी घटनाएं अलग अलग करते थे। पहले रैकी करते थे, रैकी करने के बाद में जो बंद पड़े मकान है या फ्लैट है, इनके बारे में इनको सूचना लगती थी किसी माध्यम से, उनमें चोरी करते। एक इंटरेस्टिंग बात सर इस गैंग की ये भी है कि मोबाइल नहीं लेके जाते थे, उसका रीजन क्या था? नहीं, मोबाइल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब इस समय जो चोर लोग हैं ये भी थोड़ा जागरूक हो गए हैं, इनको ये पता है कि मोबाइल सर्विलांस पे लग जाता है, मोबाइल लेकर जाएंगे तो फिर वो कोई कहीं बेचेंगे, ये फिर वो चलेगा, कोई सिम डालेगा तो उसे ये पकड़े जाएंगे। इसी सर्विलांस की जानकारी और इनके बारे में इनको ये है, इसी से बचने के लिए मोबाइल लेकर के नहीं जाते। इस गैंग में कितने और मेंबर है जिनको भी पकड़ना बाकी है? और करीब तीन से चार जिन्होंने बताया है, अभी हम लोग और वो पकड़े जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बड़ा गिरोह है। तो अपना मोबाइल भी यूज करते थे या नहीं करते थे? Audio Jungle. Audio Jungle.